Dear students, Assalamu alaikum. In today's lesson, we are going to see how to apply our received payments to an invoice of a customer. There are number of ways that you can receive payment. Nowadays, it is very simple to transfer amount online, or if it is coming from a foreign country, it could be a telegraphic transfer. Also, within a country, you can receive it via check, credit card or cash. So, we have to record all these payments within our system, so that every accounting practice or every accounting record is basically maintained within our system. तो जैसे कि मैंने आपको पिछले चंद लेक्चर से बता रहा हूँ कि हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल में तमाम डेटा और रिकॉर्ड उन इन्वॉइसेस का मौजूद है जिसके थ्रू हमने अपनी सेल्स बुक की हुई हैं। ये वो इन्वॉइसेस हैं जिनकी पेमेंट्स हमारे कस्टमर्स या क्लाइंट से मुख्तलिफ औकात में आती रहती है, और आती किस तरह से रहती है, एज़ पर द पेमेंट टर्म्स गिवन इन द इन्वॉइस। ये सारी चीज़ें देख के हमें ये पता रहता है कि हमारे कस्टमर्स हमें मुसलसल पेमेंट कर रहे हैं और अपनी इन्वॉइस का जो पैसे हैं वो क्लियर करते जा रहे हैं, और इसी तरह उनका बैलेंस कम होता जा रहा है। जैसे ही उनका पेमेंट आती है हम रिकॉर्ड करते हैं, आपका अकाउंट रिसीवेबल कम हो जाता है, इन्वॉइस बनती, अकाउंट रिसीवेबल बढ़ जाता है। आइए आज हम देखते हैं कि हमारे पास अगर हमारे क्लाइंट या कस्टमर से जो पेमेंट आई है उसको हम अपने पास कैसे रिकॉर्ड करें, और किस तरह से नेट ऑफ करें अपनी इन्वॉइस, और किस तरह से लिंक बनाएं ताकि इन्वॉइस का हमारे आई हुई पेमेंट के साथ एक ट्रैक रिकॉर्ड चलता चला जाए। और ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि कोई अच्छा अकाउंटिंग सिस्टम ज़रूर करता है, और क्विक बुक्स में इसकी ख़ास फ़ायदा इसका जो हमें नज़र आता है वो ये है कि ये बहुत आसानी से करता है और इसकी बहुत सारी रिपोर्टें हमें गाहे बगाहे देता है। आइए क्विक बुक्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हम जो पेमेंट रिसीव कर रहे हैं अगेंस्ट अकाउंट रिसीवेबल वो किस तरह से हो रही है, क्योंकि हमारी ये पूरी अकाउंटिंग का ये क्रक्स है। जैसे ही हम कोई पेमेंट रिसीव करेंगे तो हमने रिसीव पेमेंट्स में जाना है। रिसीव पेमेंट की स्क्रीन में हमें वो तमाम इन्फॉर्मेशन देने की सहूलत मौजूद है जो कि जो भी आप पेमेंट रिसीव करें उससे हमें पता चल जाता है कि ये किस तरीके से हमें पेमेंट आई है। सबसे पहले हमने अपना कस्टमर चूज़ करना है, लेकिन उससे ही पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हमारे पास दो फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जिनमें से हमने एक को सिलेक्ट करना है अपने काम के लिए, और वो फैसिलिटी ये है कि बेसिकली ये हमें हेल्प करती है कि चूज़ हम कर सकें कि हमने कौन सा इन्वॉइस हमने सिलेक्ट करनी है। हमें इन्वॉइस सिलेक्शन में मदद देती है, हमें इन्वॉइस की पार्शियल सिलेक्शन में मदद देती है, और ऑटोमेटिकली सारा रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन करती है। ये फैसिलिटी हमें मिलती है प्रेफरेंस के अंदर, पेमेंट्स के अंदर, कंपनी प्रेफरेंसेस में, और यहाँ लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट पेमेंट। हमने ये चीज़ चूज़ करनी है। ऑटोमेटिकली अप्लाई पेमेंट्स अभी हम चूज़ नहीं करेंगे। इन दोनों में बेसिक फ़र्क ज़रा समझ लें। ऑटोमेटिकली कैलकुलेट पेमेंट में ये होगा कि आपका सिस्टम कैलकुलेट करके आपके ऊपर छोड़ेगा कि ये चीज़ क्या हमने माननी है या हम इसको अपनी मर्ज़ी से किसी और के ऊपर भी लगा सकते हैं। लेकिन जब ऑटोमेटिकली अप्लाई पेमेंट्स आप कर देते हैं तो सिस्टम ही अपने मुनासबत से अपनी समझ के मुताबिक जो वो बेहतर समझता है उसके मुताबिक चीज़ें सेलेक्ट करना शुरू कर देता है। लेकिन ये चीज़ फ़िलहाल हम अपने हाथ में रखना चाह रहे हैं कि हम इन्वॉइस चूज़ करें और अमाउंट चूज़ करें, और ये देखें कि हम किस तरीके से अपने जो हमारे पास इनकम हुई है, जो हमारे पास पैसे आए हैं, जो डिपॉजिट्स आ रहे हैं, उसको हम स्प्रेड करें अपनी मुख्तलिफ इन्वॉइसेस में। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे हाथ में ये कंट्रोल रहे। तो वी आर गोइंग टू चूज़ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट पेमेंट। अप्लाई नहीं होना, कैलकुलेट करेगा, अप्लाई नहीं करेगा। इसे ओके करेंगे हम, और आपको पता है जब भी हम कोई प्रेफरेंस चेंज करते हैं तो हमारी स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है और हमें दोबारा से इस एप्लीकेशन के बाद होम स्क्रीन पे जाना होता है। आइए दोबारा से हम अपने रिसीवेबल पे आएँ। अब आपको क्लियर होगा कि ये मैं जो कह रहा था इसका मतलब क्या है। इस वक्त हम अपने कस्टमर को चूज़ करते हैं। जैसे ही हमने कस्टमर को चूज़ किया, हमारे पास उसकी जितनी भी अनपेड इन्वॉइसेस हैं वो नज़र आना शुरू हो गई। अगर तो इस कस्टमर ने हमें एक फ़िक्स्ड अमाउंट भेज दी है जो हम अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हम वो अमाउंट यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने उसे कहा था कि ऑटोमेटिकली कर दिया करो तो हमारे पास अब ये फैसिलिटी मौजूद है कि हम जैसे ही किसी अमाउंट को टिक करेंगे ऑटोमेटिकली, अगर आप ऊपर देखें, पेमेंट की अमाउंट आ जाएगी। इसको हम यहाँ से हटाएंगे, वो पेमेंट की अमाउंट वहाँ से गायब हो जाएगी। हम जिस भी इनवॉइस को चूज़ करेंगे ऑटोमेटिकली उसकी अमाउंट कैलकुलेट होके ऊपर आ जाया करेगी। ये फैसिलिटी हमें देता है हमारा क्विक बुक्स कि हम जितनी आसानी से चाहें अपना काम यहाँ करते चले जाएं। हो सकता है कि वो कस्टमर हमें पूरी पेमेंट दे दे, इन दैट केस हम फॉर द फर्स्ट इंस्टेंट हम ये करते हैं कि हम चूज़ करते हैं कि इसने हमें पूरी पेमेंट दे दी है अगेंस्ट अ पर्टिकुलर इन्वॉइस। जैसे ही हम ये इन्वॉइस चूज़ करेंगे, इसके ऊपर टिक लगाएंगे, सेव एंड क्लोज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इन्वॉइस कम्प्लीटली पेड ऑफ हो गई है। आइए देखते हैं इसका असर कैसे होता है। सेव एंड क्लोज करने के बाद ये इन्वॉइस हमारी लिस्ट से अब गायब हो जाएगी। हो सकता है कि यही कस्टमर हमें और चेक वगैरह भी भेजे। आइए अगर देखते हैं कि अब वो चेक भेजता है तो हम उसको मज़ीद कैसे हैंडल करेंगे। हमारे पास हमारा कस्टमर क्रिस बेकरी है, लेकिन अगर आप इस लिस्ट में देखें तो जो हमारी इन्वॉइस नंबर है 1115 वो लिस्ट में नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम उसके अगेंस्ट हमने एक पेमेंट रिसीव कर ली है और उसको हमने कह दिया है कि पेमेंट फुली रिसीव्ड। और कैसे किया है कि हमने उसके सामने जाके एक टिक मार्क डाला था जिससे ये पूरी की पूरी हमारी इन्वॉइस कवर हो गई थी और ऑटोमेटिकली अगर आपने देखा हो तो पेमेंट अमाउंट में भी वो फिगर आ गई थी। अब जो उसने हमें दूसरा चेक भेजा है उसकी अमाउंट कुछ इस तरह है कि ये उसने हमें कोई 30,000 का चेक भेज दिया। अब 30,000 का जब वो हमें चेक भेजेगा तो आप देखेंगे कि उसने तो हमें एक अमाउंट भेज दी है, लेकिन अब हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीके से हैंडल करें। यही मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जब हमने जाके वहाँ कहा था कि ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करें लेकिन फिल ना करें, उसका मतलब ही ये था अपनी प्रेफरेंस में, उसका मतलब ही ये था कि हम डिसाइड करेंगे कि इस पूरे इन्वॉइसिंग सिस्टम में हमने कौन सी इन्वॉइस को इसके साथ लिंक करना है, इस पेमेंट के साथ। आइए देखते हैं कि सबसे पहले तो हम लिखते हैं जो उसने अमाउंट हमें भेजी है 30,000, उसके बाद हम चेक नंबर भी इसको लिख देते हैं। अब जो उसने हमें पेमेंट भेजी है वो हमारी किसी एक इन्वॉइस को पूरी तरह से कवर नहीं कर रही। इस केस में हमें क्या करना होगा? इस केस में हम कहते हैं कि हमारी एक इन्वॉइस ये फुली कवर करती है और बाकी मांदा पैसे हम अपनी एक और इन्वॉइस को पार्शली कवर करने में इस्तेमाल कर रहे हैं। और जैसे ही मैं इसके ऊपर टिक करूँगा तो जितने पैसे पहली इन्वॉइस के थे वो तो पूरे के पूरे आ गए और दूसरी इन्वॉइस के पैसे जो हमारे 30,000 का चेक हमारे पास आया हुआ है उसमें से माइनस होकर एक अमाउंट हमारे दूसरी चेकशुदा इन्वॉइस के अगेंस्ट आ गए। अब मैं ज़रा आपको स्क्रीन थोड़ी सी समझा दूँ। शुरू में आपको डेट और नंबर नज़र आ रहे हैं और उसके बाद जो अमाउंट आपको नज़र आ रही है वो कहलाती है ओरिजिनल अमाउंट। दिस इज़ द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ योर बेसिक इन्वॉइस। जो आपकी इन्वॉइस थी उसकी ये ओरिजिनल अमाउंट है। अमाउंट ड्यू भी फ़िलहाल वही है। याद रहे कि इसलिए फ़िलहाल वही है कि अभी तक इसके अगेंस्ट कोई पेमेंट नहीं आई थी। हम दोबारा इस स्क्रीन पे आके देखेंगे कि अगर हमने ये चीज़ सेव कर दी तो इसका अफेक्ट क्या होगा। हमारे पास इस वक्त 4 इन्वॉइसेस हैं, उनमें से जो पेमेंट आई है उसके थ्रू हमने एक पूरी इन्वॉइस को पे कर दिया, पूरा पे ऑफ हो गई है और दूसरी इन्वॉइस पार्शली पे ऑफ हुई है। इसका अफेक्ट अभी हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं, लेकिन हम पहले इस स्क्रीन को अच्छी तरह समझ लें। इन दोनों का टोटल 30,000 है, ये वही 30,000 है जो हमारे पास ऊपर दिए गए। दूसरी चीज़ कि यहाँ आपको लेफ़्ट कॉर्नर पर नज़र आ रहा है अंडर पेमेंट। अंडर पेमेंट का मतलब ये है कि हमारी एक इन्वॉइस कंप्लीटली कवर्ड नहीं है और उसकी अमाउंट अंडर पेड है। हमें ये 2 ऑप्शन दे रहा है कि लीव दिस एज एन अंडर पेमेंट, इसको ऐसे ही रहने दें और उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि इसकी पेमेंट बहुत जल्द हमारे कस्टमर या क्लाइंट से आ जाएगी। दूसरी ऑप्शन दे रहा है राइट ऑफ द एक्स्ट्रा अमाउंट, ये कह रहा है कि दूसरी अमाउंट को आप एक्सपेंस आउट करते हैं, वो कभी हमारे पास नहीं आनी, लेकिन हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि नहीं आनी है, इसने अभी हमें खाली 30,000 का चेक दिया है, बाकी चेक आने वाला है, तो अभी हम इसे लीव दिस एज एन अंडर पेमेंट ही रहने देंगे। लेकिन इसका अफेक्ट हम देखना चाहेंगे। पेमेंट आई है 30,000, पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट हुई है 30,000, उसने एक इन्वॉइस को कम्प्लीटली कवर किया है और दूसरी इन्वॉइस को पार्शली कवर किया है। हम इसको सेव एंड क्लोज करते हैं और इसका अफेक्ट देखने के लिए दोबारा यहाँ आते हैं और हम इसका अफेक्ट देखते हैं कि अफेक्ट हुआ क्या है। हम चूज़ करेंगे अपने उसी क्लाइंट को और अब आप देखें कि इसका अफेक्ट हमारे पास हुआ क्या है। जो हमने कम्प्लीटली बैलेंस ऑफ कर दी थी इन्वॉइस, वो हमारी लिस्ट से गायब हो गई है और जो हमने पार्शली कवर की थी उसका अंडर ओरिजिनल अमाउंट आ रही है। हमारे पास जो ओरिजिनल अमाउंट थी वो उस अमाउंट से कम हो गई है जो 30,000 में से बैलेंस अमाउंट हमने इधर डाली थी। ये अभी हमें जब तक नज़र आती रहेगी जब तक हम इसके अगेंस्ट एक नई डिपॉजिट ना कर दें, एक नई अमाउंट रिसीव ना कर लें। जब हम नई अमाउंट रिसीव करेंगे हमारे पास ये उसका पूरा हैंडल करने का मैकेनिज्म मौजूद है कि हम डिसाइड करेंगे कि हमने कौन सी इन्वॉइस अपनी इसके साथ बैलेंस आउट करनी है। सो इन कंक्लूजन, हमारे पास अब अगेंस्ट इन्वॉइसेस जब भी पेमेंट आया करेगी, वी आर गोइंग टू हैंडल इट इन कोऑपरेशन विद द अकाउंट्स डिपार्टमेंट और उनसे मिलकर हमने डिसाइड करना है कि किस पर्टिकुलर इन्वॉइस को पूरी तरह से बैलेंस आउट करना है, किस को पार्शली करना है, किसकी पेमेंट हमने रिसीव करनी है, किसको राइट ऑफ करना है और किसको हमने अंडर पेमेंट के तौर पे उसको मार्क करके रखना है। ये तमाम चीज़ें ह्यूमन इंटरवेंशन या इंसानी मुदाखलत से हल की जाएगी। ये हमें कंप्यूटर पे नहीं छोड़नी है और इसी तरह से हमारे कंप्यूटराइज सिस्टम चलते हैं, दे हैव टू बी लुक्ड आफ्टर बाय अ ह्यूमन बीइंग और वो देखने वाला शख्स आप हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।